हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, हम बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं किसी एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करने के लिए, लेकिन हमारे से नहीं हो पाता है। लेकिन हम देखते हैं कि कईयों का पहली बार में हो जाता है। तो दोस्तों, वो कैसे होता है? तो दोस्तों, इसका मतलब है कि हमारी पढ़ाई में, हमारे सिस्टम में कोई खराबी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। तो दोस्तों, आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चेतन प्रकाश है और आप देख रहे हो ज्ञान। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल ज्ञान सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप पाना चाहते हैं मेरी अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, तो उसके लिए बेल आइकन पर कीजिए क्लिक और आप पालेंगे मेरी अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन। किसी भी एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करने के लिए दोस्तों, आपके पास होना चाहिए हार्डवर्क, डेडिकेशन, पागलपन और अपने अंदर विश्वास। अगर आपको अपने आप पे विश्वास है, आपके पास डेडिकेशन है, हार्डवर्क है, पागलपन है, दोस्तों आपको कोई नहीं रोक सकता किसी भी एंट्रेंस टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस बेहतरीन देने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दूंगा कुछ खास टिप्स, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं दोस्तों, आप ज़रूर किसी ना किसी टेस्ट में क्लियर हो जाएंगे या आपकी परफॉर्मेंस और बेहतरीन हो जाएगी किसी ना किसी टेस्ट में। फर्स्ट नंबर पे आता है दोस्तों स्टडी प्लान। मान लीजिए दोस्तों, अगर आप किसी इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जा रहे हैं, दोस्तों आपको पता है उसमें सिर्फ तीन सब्जेक्ट मेन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। दोस्तों, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों को बराबर पढ़िए और अदर जो बचते हैं, जीके या इंग्लिश जो भी होते हैं सब्जेक्ट, उनको बहुत कम पढ़िए। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को ज़्यादा टाइम दीजिए। दूसरे नंबर पर आता हो दोस्तों वीकनेस। अपनी वीकनेस को देखिए, आपकी सब्जेक्ट में वीक है। मान लीजिए अगर आप फिजिक्स में वीक है तो फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री में वीक है तो केमिस्ट्री पढ़िए, फिजिक्स में मैथ में वीक है तो मैथ को ज़्यादा पढ़िए। जिस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा वीक हैं उसको ज़्यादा पढ़िए, और जिनमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है उनको थोड़ा कम पढ़िए, जिनमें आपकी वीकनेस ज़्यादा है उनको ज़्यादा पढ़िए। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों एंट्रेंस टेस्ट की स्ट्रेटजी क्या है। एंट्रेंस टेस्ट किस हिसाब से आता है, किस तरीके से आता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप पढ़ाई कीजिए। अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन आते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आते हैं, तो डिफिकल्ट तरीके से आप पढ़ाई कीजिए। तब चौथे नंबर पे आता है दोस्तों अपने माइंड को एग्ज़ाम के लिए तैयार कीजिए। तो दोस्तों, हम जितने भी बार बार पढ़ाई करते रहते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो हमारे दिमाग को रिफ्रेश भी करना पड़ता है। तो इसके लिए एग्ज़ाम के एक या दो दिन पहले आप पढ़ाई को कम कर दें, जो आपने पहले पढ़ा उसको रिमाइंड करते रहिए, बाकी छोड़ दीजिए। अब पाँचवें नंबर पर आता है दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर दोस्तों आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी टेस्ट में बैठ जाइए दोस्तों, आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहेगी। लेकिन अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप किसी भी टेस्ट में बैठ जाइए, आप अच्छे तरीके से टेस्ट को नहीं कर पाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन रहेगी। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए जैसे भी आप बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में मेरी वेबसाइट पर आपको लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए इसकी आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। अब छठे नंबर पे आता है दोस्तों प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। मतलब दोस्तों कि पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको पढ़िए, उनको देखिए उनमें किस तरीके से बताया गया है, किसी पेपर को किस क्वेश्चन को किस हिसाब से डाला जाता है, उस हिसाब से दोस्तों आप अपनी पढ़ाई कीजिए। पिछले साल के क्वेश्चन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, तो आप पिछले साल के क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़िए, दो तीन साल के जितने भी क्वेश्चन होते हैं। अब सातवें नंबर पे दोस्तों शॉर्टकट्स को याद रखिए। दोस्तों, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इनमें बहुत सारे शॉर्टकट्स दिए होते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप उन सभी शॉर्टकट्स को ध्यान रखिए, आप नेट पे चेक कर सकते हैं और दोस्तों आपके टीचर्स बता सकते हैं और बुक्स में भी कई बार मिल जाते हैं। दोस्तों, उन शॉर्टकट्स को ध्यान रखिए, इससे आपका टाइम बचेगा एग्जाम में, और आप जिन क्वेश्चनों को आप करना चाहते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चनों को आपको करने के लिए टाइम मिल जाएगा, और इजी क्वेश्चनों के लिए आपके पास शॉर्टकट्स होते हैं, उनको आप जल्दी से कर सकते हैं। अब आठवें नंबर पे आता है दोस्तों कि सभी पॉइंट्स को याद रखिए और फ्री माइंड होकर एग्जाम दीजिए। दोस्तों, आप जितने भी मैंने पीछे आपको पॉइंट्स बताए, 7 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, उनको याद रखिए, उनको याद रख के आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। पिछले साल के क्वेश्चन देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाइए, माइंड को फ्री रखिए और स्टडी प्लान एक अच्छे तरीके से बनाइए। इन सभी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, आप ज़रूर किसी ना किसी एंट्रेंस टेस्ट में क्लियर हो सकते हैं।
अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो ही आप हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको चाहिए किसी तरह की कोई भी हेल्प तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और दोस्तों शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल तक जरूर पहुंचाइए। थैंक यू।